नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी की जो नई वैकेंसी 76 पोस्ट आया है सप्लाई इंस्पेक्टर एलडीए और यूडीओ को लेकर उसके जॉब प्रोफाइल सैलरी और वर्किंग के बारे में बताऊंगा। वहां बढ़ने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक न्यूज़ है वो जान लीजिए कि परीक्षा प्लस टीम जो है यूपी कॉन्स्टेबल के जो 26,000 पोस्ट आने वाले हैं निःशुल्क बैच लेकर आ रही है। तो जिनको भी इस निःशुल्क बैच से जुड़ना है वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें और परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल है एलडीए यूडीओ में आपको करना क्या है, आपका वेतन कहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो एलडीए है जिसे लोअर डिवीज़न असिस्टेंट बोला जाता है, ना कि आपका क्लर्क, क्लर्क दूसरी पोस्ट होती है, असिस्टेंट दूसरा पोस्ट होता है। जो एलडीए और यूडीए है एक्चुअली ये विभागीय नौकरी है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी जो है उसी में ही आपका जॉब मिलेगा। उसी में आपका जो जितने भी एप्लीकेशन हर फॉर्म के पढ़ते हैं उसकी सॉर्टिंग हो गई, उसमें क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों का जो काम होता है वो एलडीए और यूडीए जो दोनों होते हैं वो मिलकर हैंडल करते हैं कि आप जैसे फॉर्म जो भी फिल करते हो, चाहे पीटी का हो गया, चाहे लेखपाल का हो गया, चाहे किसी का भी हो गया, उन सब भी कोई सॉर्टिंग हो गई, उसमें कोई गलती है, चाहे जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं, चाहे आपके जो भी डीवी होना है, उन सब का प्रोसीजर इन्हीं के अंतर्गत होता है। तो इनका मेन आपका यूपी ट्रिपल एससी विभाग में काम होता है। 2800 ग्रेड पे की जॉब है, पे लेवल 5 में आएगा, 29,200 से 92,300 तक आपका ये चलेगा, जिसमें से बेसिक जो आपकी सैलरी होगी, जो बेसिक आपका पेमेंट होगा सैलरी 29,200 होगा। डीए यूपी गवर्नमेंट का 31% कर दिया गया है 28% से, तो 9,052 रुपये आपका डीए मिल जाएगा और टोटल 38,252 आपका ये दोनों को मिला के है। बाकी और भी जो आपके क्या है अलाउंसेस हैं वो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, तब जाके 38,000 है। तो सभी जोड़ेंगे और डिडक्शन होने के बाद ऑन अप्रोक्स 40 के मतलब 40,000 सैलरी आपके इन हैंड में आएगी अगर आप एलडीए के पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो। यूडीए का पोस्ट थोड़ा इससे अपर है क्योंकि नाम ही है अपर डिवीजन असिस्टेंट, ठीक है। तो अपर डिवीजन असिस्टेंट का ग्रेड पे जो है अच्छा है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है, 45,400 से लेकर 112,400 का बेसिक पे इनका होता है, स्किल 6 का है ये जो पेमेंट होता है इनका, बेसिक पे 35,400 से स्टार्टिंग होगा। डीए 31% इसका निकालोगे डीए तो 10,974 रुपया डीए हो गया और 46,374 रुपया आपका सिर्फ डीए और बेसिक पे मिला के हो जाएगा। अगर इसमें और अलाउंसेस की बात करें तो आपका कहीं जो है एचआरए ओचारे मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, इन सबको अगर देख लिया जाए और डिडक्शन भी देख लिया जाए तो ऑन अप्रोक्स 50 के हम मान सकते हैं कि आपकी सैलरी बनेगी। बात ज्यादा भी हो सकती है कि ऑन मैं अंदाजा लगा रहा हूं, इतना तो आपका है ही है, उसके बाद से आपका डिडक्शन हो गया, कुछ और अलाउंसेस होंगे, तो 50 तो हम मान सकते हैं ऑन अप्रोक्स आपका बनेगा। तो ये यूडीए के लिए हो गया, दोनों का काम यूपी ट्रिपल एससी विभाग में है। सबसे मस्त जॉब जो है सप्लाई इंस्पेक्टर, ये आपका पहले जो है यूपी पीसीएस कराता था, ठीक है, ये लोअर पीसीएस का पोस्ट है, अब अधीनस्थ करा रहा है, पहले ये आपके यूपी पीसीएस के थ्रू होता था इसका एग्जाम। ग्रेड पे 4200 है, पे लेवल 6 की है, बेसिक जो आपका है 35,400 है, सेम आपका उतना ही सैलरी बनेगा जितना आपका यूडीए का बनेगा, वो भी 4200 था, ये भी है 31% डीए में कि रुतबा इसमें अलग है आपका, ये भी 50 के आप सैलरी उठाओगे इसमें भी, ठीक है। इसका काम क्या है एक्चुअली जो है ये फील्ड जॉब है, वो अभी तक जो देखे जो एलडीए और यूडीए है वो ऑफिस जॉब है, यूपी ट्रिपल एससी में ये फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब में ऐसा नहीं कि फील्ड ही पूरा होता है, फील्ड जॉब होता है इसमें आपके जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है जिसमें आपको ये राशन मिलता है, चाहे आपका जब बाढ़ और क्षेत्र जो बाढ़ क्षेत्र ग्रसित होते हैं वहाँ पे जो राशन बंटवाए जाते हैं, राशन कार्ड बनना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत होता है, ये आपके जो होते हैं कौन सप्लाई इंस्पेक्टर, इन्हीं का मेन होता है रोल, ठीक है। यही सब कुछ कराएंगे, किसी को हटवाना हो, कोई धांधली कर रहा है, जैसे जो आपका इस मिड डे मील के लिए स्कूलों में आता है ना राशन, तो वो आ रहा है तो उसमें सब कुछ सही तरीके से जितना आया उतना पहुंचे स्कूलों तक, तो वो सब कुछ देख रेख किसके होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर के हाथ में होता है, जो आपके राशन कोटेदार बांटते हैं, ठीक है, सबको मिल रहा है उचित सही तरीके से कि नहीं, उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है, तो उन सब चीज़ों को चेक करते हैं, अगर धांधली है भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें तो वो एसडीएम को बोलेंगे और एसडीएम उसको क्या करेगा, जो भी उसमें कार्यरत जो अधिकारी हैं चाहे जो भी होंगे उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली इनका काम जो होता है कि जितना
जितना भी सरकार की स्कीम होती हैं जो खाद्यान्न से रिलेटेड होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं और जो ग्रामीणों तक चाहे जो भी होता है वहाँ तक पहुँचती हैं स्कूलों तक, उनका जो है निरीक्षक करना ही सप्लाई इंस्पेक्टर का काम होता है। तो 50,000 की सैलरी भैया, 76 पोस्ट टोटल हैं सभी मिला के LDA और UDA का, तो आप देख सकते हो। और अभी एक बार जब लेखपाल की कट ऑफ आपको पता चल जाएगी कि इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ऑन अप्रोक्स कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो जो बच्चे एटलीस्ट ये सोच रहे हो कि नहीं हमें ये तैयारी करनी, इस पोस्ट को लेना है, उनका ड्रीम जॉब है सप्लाई इंस्पेक्टर, क्योंकि ये PCS पहले कराता था, अब जाके UP SSC के हाथ में आया है, तो उन जिनको भी ये तैयारी करनी है वो लग जाइए, आप करते रहिए। और जो भी हमसे हेल्प चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसके लिए हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो सब कुछ बताया जाएगा। जो भी समस्याएँ आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष पाठक।